हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहीं पहुँच के आपसे मिलते हैं। ये रही हमारी बस जिसने हमें यहाँ पहुँचाया शस्त्रधारा। अब हम आ चुके हैं। ये चारों तरफ पीछे पहाड़, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, मेरे चारों तरफ पहाड़। ये रहे वो लोग, ये रहे बाकी लोग अपनी फोटोज क्लिक करा रहे हैं। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्या नहीं रहे ये रे बाकी सब किसके पास है? ये रे पूरा नजारा दिखा रही हूँ मैं। What a view! पानी बहता आ रहा है। बहुत सुंदर जगह है ये, सामने से भी बना लो। आया नके और मुंगा नायरा क्या निचोड़े है, क्या फ्रेंड से बना रहे हो? अब हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही प्राचीन जगहों में से एक है। वहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी थी। मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो ये है देहरादून में स्थित एक प्राचीन मंदिर जो है तपकेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी थी और यहीं पर ही जो पांडव थे उनको शिक्षा दी थी। मैं आपको ये मंदिर का पूरा व्यू दिखाती हूँ कि मंदिर कैसा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। पानी कितना साफ है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको मेरी वीडियो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो पूरी देखना। बहुत ही
इंटरेस्टेड वीडियो है। तो अब हम आए हैं गुपचुप पानी। ये देहरादून की बहुत ज़्यादा फेमस जगहों में से है। टपकेश्वर मंदिर से थोड़ी सी दूरी पे ये है। मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत तेज़ आवाज़ है। जो झरना है उसकी बहुत ही तेज़ आवाज़ है। और देखिए गुपचुप पानी की अपनी ही अलग हिस्ट्री है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब डाकू वगैरह हुआ करते थे तो यहाँ वो अपना खजाना छुपाया करते थे। और ये सच में ही बहुत गुपचुप जगह, इसका नाम सही दिया गया है। ये चारों तरफ ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में रास्ता है और ये घूमने का सबसे अच्छा प्लेस है। और बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ पर टिकट लगता है। देखिए बहुत ही सुंदर जगह है एकदम। आगे चढ़ने के बाद ये देखो, आराम से कितना सुंदर, एकदम नेचर ब्यूटी, एकदम नेचुरल। सेकंड टाइम आए हैं, हमें बहुत पसंद आया था। अभी भैया हमारे साथ में आए हैं, अब इनको भी दिखाएंगे। झरने भी नहलाएंगे गाइस। ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये पीछे वाले, ये पहली बार आए हैं, इनको बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है। ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, सच में बहुत अच्छा है। ये देखिए हम कैसे नहा रहे हैं। ये देखिए आगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारा डांस देखिए।